नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट कांग्रेस के युवा चेहरे थे, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और सचिन पायलट ने पार्टी से बगावत कर दी। बगावत भी ऐसी कि पार्टी ने उन्हें राजस्थान अध्यक्ष पद और गहलोत कैबिनेट से निकाल दिया। राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने इन दोनों नेताओं पर तंज कसा। सिंह ने बुधवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट पर तीखा हमला किया और सब कुछ मिलने के बाद भी पार्टी छोड़ने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने सचिन पायलट को बेसब्रा तक कह दिया। मध्य प्रदेश का इतिहास वहां दोहराया जाएगा। मुझे इस बात का दुख है कि जिन नौजवानों को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, माधवराव जी सिंधिया का योगदान देश के सेवा में कांग्रेस पार्टी में अद्भुत रहा, उनका दुखद देहांत हो गया। ज्योतिराज सिंधिया जी को वैसे ही उनका सम्मान रहा, उन्हें भी सांसद बनाया गया, केंद्र मंत्रिमंडल में लिया गया, पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सौंपी गई, चेयरमैन कैंपेन कमेटी का बनाया गया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाया गया, उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप भी बनाने के लिए ऑफर दिया गया था, वो नहीं माने। पीसीसी प्रेसिडेंट का भी ऑफर दिया गया, नहीं माने। और उन्होंने उसी पार्टी में शामिल होना ठीक समझा जिस पार्टी ने उन्हें हराया, यानी कि दुश्मन के साथ हारने के बाद दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया। हमें ऐसी उम्मीद ज्योतिरादित्य से नहीं थी। वही हालत सचिन पायलट जी की है। उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने बेहद ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। कांग्रेस ने भी उन्हें कैबिनेट में रखते हुए हर काम में उनको आगे बढ़ाया। सचिन को 26-27 साल की उम्र में एमपी बना दिया, कैबिनेट में सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, राजस्थान का पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। अभी उनकी उम्र ही क्या है, 37-38 साल के हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो। कितने ऐसे लोग हैं जो कि इतनी जल्दी तेजी से राजनीतिक पायदान पर आप ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, ये कांग्रेस पार्टी की अनुशासन और जो नीतियां हैं उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। मुझे इसके बात का दुख है। मैं चाहता था कि सचिन से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, राजेश जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, जिस तरह से माधवराव जी के साथ हमारे अच्छे संबंध। इन नौजवानों को सब्र नहीं है,